कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री की भी कमर तोड़कर रख दी है। एक तरफ जहां फिल्मों की शूटिंग बंद है और स्टार्स घर पर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन कोई न कोई स्टार या उनके परिवार का सदस्य कोरोना वायरस की चपेट में आ रहा है। और अब बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का परिवार कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया है। दीपिका के पापा प्रकाश पादुकोण, मां उज्ज्वला पादुकोण और बहन अनीशा पादुकोण कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। खबर के मुताबिक परिवार के खास दोस्त ने बताया है कि दीपिका के परिवार को 10 दिन पहले कोरोना वायरस से लक्षण नजर आए थे, जिसके बाद टेस्ट करवाने पर पॉजिटिव आया। दीपिका के पापा फिलहाल बेंगलुरु के एक अस्पताल में एडमिट है, लेकिन अगले हफ्ते तक वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। प्रकाश पादुकोण के एक करीबी दोस्त ने पीटीआई से बातचीत में बताया, करीब 10 दिन पहले प्रकाश, उनकी पत्नी और बेटी अनीशा को कोविड-19 के लक्षणों का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपना टेस्ट करवाया और रिजल्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद सब ने खुद को आइसोलेट कर लिया। लेकिन दीपिका के पापा का बुखार नहीं उतर रहा था, इसलिए शनिवार को उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। हालांकि अब वो ठीक है, उनके सारे पैरामीटर्स भी ठीक है। प्रकाश की पत्नी और बेटी घर पर ही क्वारंटीन है और उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में प्रकाश पादुकोण भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। और अब एक रिपोर्ट की माने तो दीपिका पादुकोण खुद भी कोरोना पॉजिटिव है और इस समय उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। आइफा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए एक ट्वीट किया है, जिसमें लिखा था, दीपिका पादुकोण का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है, दीपिका के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इस ट्वीट के बाद से ही दीपिका के फैंस की भी चिंता बढ़ गई है और सोशल मीडिया पर लोग दीपिका के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।